what do you think of Buddha's criticism that he left his wife and didn't fulfill his duty? Well, I think, see, बुद्धा ने जो अचीव किया था यार, बिकॉज वी आर नो बडी टू जज बुद्धा, बिकॉज हम लोग बहुत ही छोटे लोग हैं बुद्धा जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी को. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा हैं कौन, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े व्यूज हैं. बट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड हु अचीव सेल्वेशन इन बोधगया, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने ये जरूर करा था कि वो, बट बेसिकली ये था कि ही वॉज अगेन बॉर्न विद दैट सेम ट्रेट. उनकी अगर आप हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो यही आएगा कि भाई ज्योतिष ने भी पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर इसने सफरिंग्स जरा सी भी देख ली, जरा सा भी इसे इल्म हो गया कि दुनिया के अंदर असली सफरिंग्स क्या है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत बड़े योगी या उस वाली कैटेगरी में चला जाएंगे. सो यही हुआ, बुद्धा वहाँ से इवॉल्व हुए एंड व्हेन ही सॉ द सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड कि नहीं यार, एवरी थिंग इज बाउंडेशन, एवरी थिंग इज कहीं ना कहीं भी हम लोगों को बांध के रखती है, मैं इस बंधनों से बाहर निकलना चाहता हूँ. सो उनका जो एम था, पर्पस था, वो बहुत बड़ा था. आई थिंक उन्होंने जो वे अचीव किया, जो पाथ अचीव किया, उससे करोड़ों लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं तो देखो मुक्ति दिलाई है. सो मेनी पीपल आर देयर. सो बट सेइंग दिस थिंग दैट वी मस्ट लीव आवर चिल्ड्रेन एंड फैमिली फॉर इन सर्च ऑफ सेल्वेशन, वेल यू नो आई थिंक वी मस्ट थिंक दैट कि क्या हम बुद्धा के लेवल पे जा सकते हैं क्या. बुद्धा के लेवल पे जाएंगे तो ठीक है, ये फिर भी जस्टिफाइड है, बिकॉज अल्टीमेटली हम अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को भी उस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, वी कैन हेल्प देम आउट. यस एब्सोल्युटली यार, सेल्वेशन इज पॉसिबल इन फैमिली लाइफ, एब्सोल्युटली, एंड इट इज पॉसिबल बट ओनली थ्रू वन थिंग एंड दैट इज फेथ, जो ट्रेडिशंस कहते हैं. एंड फैमिली लाइफ भी यार अपने आप में एक बड़ी एक बड़ी चीज़ है, बिकॉज यार अगर फैमिली नहीं होगी तो टू बी वेरी फ्रेंक कहाँ से और फिर बच्चे पैदा होंगे, कहाँ से और पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. अर्थली रिल्म, दिस अर्थली जो हम लोग को इस धरती पर जन्म मिलता है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने का. सो सारे ही के सारे अगर यार इसमें चले गए कि नहीं यार मोक्ष की प्राप्ति के चक्कर में, सो फिर आगे और कौन आएगा, मतलब हम लोग तो इस दुनिया को ही खत्म कर देंगे. सो ऑफकोर्स देर आर वेज इन विच फैमिली लाइफ के अंदर रहते हुए भी, आई थिंक सिखिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. सिखिज्म में आपने देखा होगा कि कभी भी फैमिली लाइफ को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बोला गया.